हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम क्वेस्ट। आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल मॉर्निंग नंबर वन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बट उससे पहले आपको क्या करना है कि इस सेशन को जबरदस्त तरीके से एकदम क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है, सो दैट और पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ पाए और हम लोग सेशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन आ गया है। ओके, तो ओके, मनदीप, सौरभ, वानी, प्रतीक, प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी आ जाए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। कर दिया है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं चुप नहीं हूं, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, बस आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, जब हम बोलते ही रहेंगे, जब ज्यादा यहाँ पे लगेगा कि अब बोलना बहुत जरूरी है लगातार, तो बोलते ही रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अब आपका ये जो ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये डाउनलोड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बता देती हूँ। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो मंथ है ना आपका जुलाई, इस मंथ में बहुत सारी स्पेशल क्लास चलेंगी इस ऐप पे। आपको पता है जो स्पेशल क्लास जब हम बोलते हैं तो वो क्लास होती है जो फ्री में आपको इस ऐप पे मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि ना केवल मेरी बल्कि जितने भी इंडिया के एजुकेटर हैं अनअकैडमी के, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, वो सब लोग बहुत ज्यादा क्लासेस लेने वाले हैं जुलाई के मंथ में, इंक्लूडिंग मी, स्पेशली ऑन 5th of July, ठीक है। तो मैं खुद 5th of July को SBI PO मेंस के क्वेश्चन कराने वाली हूँ यहाँ पे, और RRB PO मेंस के क्वेश्चन कराने वाली हूँ GA के। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस अटेंड करनी है और अभी तक आपने इसको अगर नहीं किया है डाउनलोड, सो जस्ट डू इट नाउ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ, फॉर स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे टेलीग्राम ऐप है, आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। कोर्स है मेरा जो मैंने जनरल अवेयरनेस की क्लासेस ली है, इसको परचेज कर लो भाई, कितना कहना पड़ रहा है, अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया। केवल यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ बच्चों ने परचेज किया है, बाकी जो बच्चों ने परचेज किया वो मेरी क्लास वाले देखते नहीं, ऐसा क्यों है भाई, ठीक है। आप लोग रोज क्लास देखते हो और खरीद कोई और रहा है, खरीद कोई और रहा है, जिन बच्चों को मैं जानती ही नहीं हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और या वन मोर थिंग, मेरी क्लास खरीदो चाहे अनअकैडमी के किसी भी टीचर की क्लास खरीदो, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर लेना, SPSHUBHI, SPSHUBHI मेरा कोड यूज कर लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 जुलाई को इंपॉर्टेंट डे क्या है, तो हमने पढ़ा था कि 1 जुलाई को क्या था आपका स्पेशली डॉक्टर्स डे था, और 2 जुलाई को क्या है तो UFO डे है। UFO का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ UFO। UFO मतलब कि अगर क्या होता है कि कई समय से कुछ चीजें देखी जाती है जिनको कोई जानता नहीं कि क्या है, ये एरोप्लेन है, ये क्या है, कोई समझ नहीं पाता, तो याद रखिएगा उन्हें UFO कहा गया, यही से UFO वर्ड का निजात हुआ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है UFO का फुल फॉर्म, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, उड़ता हुआ ऐसा जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे UFO बोलते हैं। तो जो UFO डे है वो क्यों मनाया जाता है, क्या स्पेशलिटी है, ये देखते हैं। वर्ल्ड UFO डे आपका स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस मनाया जाता है, ठीक है, कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन हो सकता है, कि पृथ्वी के बाहर भी लाइफ का एग्जिस्टेंस हो सकता है, इसको मार्क करने के लिए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। ये पहली बार 2001 में मनाया गया था UFO के फाउंडर हैक्टन एक्डोगन के द्वारा। जुलाई 2 को ही क्यों चुना गया, जुलाई 2 जो है डेट
कोमेमोरेट द सपोज्ड यूएफओ क्रैश इन द 1947 रॉजवेल यूएफओ इंसिडेंट। 1947 में एक घटना हुई थी, रॉजवेल जो जगह है, यूएसए में एक जगह है रॉजवेल नाम की स्कॉटलैंड के पास, वहां पे क्या हुआ था, एक चीज थी, एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो कि क्रैश हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये 2 जुलाई 1947 को हुआ था। इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है आपका यूएफओ डे, वर्ल्ड यूएफओ डे। बोलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आज क्या है, आज है वर्ल्ड यूएफओ डे। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, 2001 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है, 1947 के यूएफओ क्रैश को कोमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये देखो, उसके समय समय पे कई बार यूएफओस देखे गए हैं अलग अलग हिस्से में, और ये माना जाता है कि एलियंस होते हैं जो कि आते हैं इधर की तरफ या सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मतलब रहस्यमयी बात है, मिस्टीरियस बात है। तो ये तो कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक फाइनली कोई पुष्टि नहीं हुई। जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोग को समझना, अमेरिका में एक जगह है एरिया 51। ठीक है, आप लोग को शायद पता हो, यूएसए में एक जगह है एरिया 51 जहां पे किसी को नहीं जाने दिया जाता है, और वो इस तरीके से बनाया गया है पहाड़ों के, 3 पहाड़ों के बीच में, कि सैटेलाइट से अगर कोई जानना चाहे कि क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, तो कोई देख भी नहीं सकता है। और एरिया 51 में ये माना जाता है कि एलियन रखा गया है, और वहां पे इस चीज के बारे में काम चल रहा है। हुआ क्या था कि एक जगह पे यूएफओ क्रैश हुआ था। ठीक है, यूएफओ क्रैश हुआ था, वहां पे यहाँ की टीम गई थी, यूएसए की टीम गई थी, वहां से कुछ चीजें लाई थी। तो ऐसा माना जाता है कि एक एलियन उसमें बचा था। मतलब लोग, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी है। एक्चुअली हुआ क्या कि एरिया 51 में काम करने वाले किसी वैज्ञानिक ने एक बार इंटरव्यू दे दिया था। ठीक है, यूट्यूब पे वो वीडियो वायरल हो गया था, लेकिन फिर यूएसए ने उसको यूट्यूब से हटा दिया। लेकिन तब तक उसको बहुत लोग देख चुके थे। उन्होंने ये बात कही थी कि वहां पे एलियन से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, और उन्होंने ये भी हिंट दिया था कि वहां पे एलियन को रखा गया है जो कि यूएफओ के क्रैश में पाया गया था। तो एरिया 51 कहा जाता है। आपको पता है, एक बार लॉकडाउन के कुछ महीने पहले यूएसए के लोगों में एक प्रोटेस्ट चला था, एक अभियान चला था, जिसमें उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सब लोग एरिया 51 की तरफ जाएंगे, हमारा अधिकार है, कॉमन कांट स्टॉप अस। तो क्या हुआ था पता है, वहां पे एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, फोर्स लगा दिया गया था कि आप लोग अपने घरों में रहें, वरना जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। तो एरिया 51 जो है बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, वहां कोई भी नहीं जा सकता है। बहुत लोग लाइव वीडियो बना के डाले हैं कि जैसे ही वो एक बोर्ड लगा है, जैसे ही वो लोग बोर्ड को क्रॉस करना चाहते हैं, तुरंत वहां पे तुरंत आर्म्ड मिलिट्री फोर्स आ जाती है, कोई नॉर्मल गार्ड नहीं, आर्म्ड मिलिट्री फोर्स तुरंत आ जाती है उन्हें रोकने के लिए। कई लोगों ने नीचे से जा, मतलब बहुत छुप छुप के भी जाने की कोशिश की, लेकिन कोई आज तक वहां पे जा नहीं पाया है। तो यूएफओ पे वर्क चल रहा है, और फाइनली कभी तो ऐसा दिन होगा जब पता चल पाएगा कि क्या पृथ्वी के बाहर सच में कोई दुनिया है, क्या सच में एलियंस होते हैं। सो गाइज, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन टूडे, दैट इज वर्ल्ड यूएफओ डे। एंड आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का दिन, और बहुत ही समझ में आया होगा कि भाई ये होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ आज के मुख्य समाचार की बात करते हैं। महाराष्ट्र ने प्रपोज किया है क्या मराठी कॉलेज बनाने के लिए, कहां पे, कर्नाटका के बॉर्डर पे। आपको पता है, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो किस तरीके से इंडिया का मैप, यहाँ पे जो आपका गुजरात है, ठीक है, उसके नीचे क्या है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे क्या है कर्नाटका, और यहाँ पे क्या है गोवा है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे वो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं दूसरी जगह बना देती हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि ऐसे ऊपर की तरफ महाराष्ट्र है, और उसके जस्ट नीचे क्या है कर्नाटका राज्य, और यहाँ पे गोवा है। तो महाराष्ट्र जो है ना, कर्नाटका के बॉर्डर पे एक मराठी कॉलेज खोलना चाहता है। क्यों, उसका मानना है कि जो कर्नाटका के कन्नड़ लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहे तो ऑप्शनल मराठी भी पढ़ सके, ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में मराठी को भी पढ़ सके। ऐसा कौन सोच रहा है, महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र की सरकार में कौन है भाई, सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। ओके, गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल क्या है, मुंबई और आपका नागपुर। और अगर हम कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में किसकी सरकार है, तो BS येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा। ओके, यहाँ पे गवर्नर कौन है, वाजुभाई वाला, वाजुभाई वाला। ओके, कैपिटल क्या है यहाँ की, बैंगलोर, बैंगलोर इज कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो याद रखना, महाराष्ट्र मराठी कॉलेज ओपन करने की सोच रहे हैं, कहाँ पे, कर्नाटका के बॉर्डर पे। नेक्स्ट जो आपका एक न्यूज के रूप में है,
केरला विलेज में डिप्लॉय किया गया है रोबोट नर्सेस पेशेंट की केयर करने के लिए, मतलब कि रोबोट को वहां पे अपॉइंट किया गया है ताकि वहां पे जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको वो सर्व करें नर्सेस। कहाँ पे हुआ है याद रखिएगा, केरला में, केरला के गांव में, ठीक है, डिप्लॉय किया गया है रोबोट्स को किसके सब्स्टिट्यूट बना के, नर्सेस का सब्स्टिट्यूट बना के। केरला की हम बात करें तो केरला की कैपिटल क्या है, केरला की कैपिटल है तिरुवंतपुरम, तिरुवंतपुरम है ना। यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन यहाँ के क्या है भाई, सीएम है पिनरई विजयन। ओके, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान इज गवर्नर ऑफ केरला। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर्स डे जो कि कल था 1 जुलाई को था, जगन, जगन कौन है भाई, घर के बगल वाला लड़का नहीं है, जगन मतलब कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी, लिखा तो ऐसे गया जैसे जगन वो चाय वाले की बात हो रही है। खैर, डॉक्टर्स डे पे जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 1,088 एम्बुलेंस, नई एम्बुलेंस को रवाना किया, मतलब कि बहुत ही अच्छा ये मेडिकल फील्ड में उन्होंने किया, नई एम्बुलेंस, ठीक है, नई एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट को उन्होंने विजयवाड़ा में क्या किया, लॉन्च किया। 1,088 एम्बुलेंस को उन्होंने लॉन्च किया। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जगन मोहन रेड्डी हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो तीन है, कौन कौन सी है, मेन है अमरावती, ओके, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और क्या है भाई, विशाखापट्टनम के अलावा कुरनूल है, क्या है भाई, कुरनूल है, ठीक है। ये किसकी उसपे मतलब कि किससे इंस्पायर होकर इन्होंने किया, साउथ अफ्रीका से। जैसे साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया, कैपटाउन और बोईमफोंटीन तीन कैपिटल है, उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने भी तीन कैपिटल का प्रोजेक्शन दिया था। चीफ मिनिस्टर की बात हम कर चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंदन, ठीक है भाई, विश्वभूषण हरिश्चंदन गवर्नर है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए, इतना क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है, अब न्यूज स्टार्ट होगी आपकी। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब एरिया फॉर अनदर 6 मंथ। सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए भी अशांत क्षेत्र घोषित किया है, बताइए, नागालैंड, मेघालय, गोवा या तेलंगाना। प्रतीक ए बोल रहे हैं, ओके, आंसर करिए पहले। सौरभ ए बोल रहे हैं, बानी ए बोल रही है, ठीक है। चलो भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नहीं है मनदीप, करेक्ट आंसर होगा आपका ए, नागालैंड, ठीक है। अब ये नागालैंड का मैटर क्या है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, फिर बाद में कभी हम डिटेल में समझा देंगे। देखो, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है बहुत लंबे समय से नागालैंड में, क्यों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है आपका नागालैंड, आपको पता है, वहां पे सरकार के बीच में और नागा एक ट्राइब है उसके बीच में ये आपका चल रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो एथनिक नागाज है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और म्यांमार, ये तीन लोग इन्वॉल्व है इसमें। अब म्यांमार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में आ गया कौन, एथनिक नागा। हुआ क्या है कि जो म्यांमार है, आपको पता है कि नागालैंड का जो बॉर्डर है वो टच करता है किसे, म्यांमार को, इधर म्यांमार है ना, इधर क्या है, म्यांमार है। तो म्यांमार क्या चाहता है कि नागालैंड के कुछ हिस्से को वो अपने में मिला सके, और जो नागालैंड की नागा ट्राइब है दुर्भाग्यवश उनका भी कुछ ऐसा ही सोचना है। अब इसमें बीच में कौन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि नागालैंड तो अपने देश का हिस्सा है, तो ऐसे कैसे अपने देश के हिस्से को किसी और जगह पे जाने दें। तो ये बहुत लंबे समय तक ये तीनों के बीच में नागालैंड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ये एक ट्राई जंक्शन है, ठीक है, नागालैंड जो है ये एक ट्राई जंक्शन है इंडिया का, मतलब कि इंडिया का, म्यांमार का और इनका, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कई समय से फोर्स डिप्लॉय किया गया क्योंकि बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्ट होता है, और मैंने आपको कुछ दिन बताया भी था, मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी, तो नागा के बारे में बताया भी था। नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, पता है, नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और नागास के बीच में, नागा पीस अकॉर्ड भी साइन हुआ है, जिसके तहत उन्हें कहा गया है कि आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा और आप, आपकी जो जाति है, प्रजाति है, उस पे किसी और भारत का, मतलब भारत के जो बाकी जाति प्रजाति है उसका कोई गलत इम्पैक्ट पड़ने को नहीं पाएगा। नागा पीस अकॉर्ड में कहा गया कि आप अपनी सभ्यता को पूरी तरीके से सजो के रखिए।
तो वहां पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेस्ट का कह सकते हैं बना रहता है माहौल, इसीलिए वहां पे आर्म्ड फोर्स हमेशा डिप्लॉय रहती है। तो अगले 6 महीने तक के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, अगले 6 महीने तक इसको और बढ़ा दिया गया है। नाउ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? सो कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, एंड कोहिमा इज लार्जेस्ट सिटी ऑफ नागालैंड एज वेल। नाउ वेयर इज नागालैंड इन इंडियाज मैप? सो द एरिया आई कलर्ड इन येलो कलर, दैट इज नागालैंड। ओके, दैट इज नागालैंड, ये आपका नागालैंड है, ठीक है भाई, ये क्या है, नागालैंड है। चलो अब मुझे फटाफट बताओ नागालैंड के सीएम और गवर्नर कौन है? हु इज चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ नागालैंड? कोहिमा कैपिटल है, दैट इज ओके, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम बताइए। नेफ्यू रियू बानी, और एंड रियो भी लोग कहते हैं, नेफ्यू रियो, एग्जैक्टली। प्रतीक ने आंसर दिया, बानी ने आंसर दिया और प्रज्ञा ने आंसर दिया, बाकी लोग भाई रियो जी सीएम है, बबलू भी पता है, ओके नेफ्यू रियो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज है। हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फोटो और पेंटिंग एंड अ 1 मिनट फिल्म कॉम्पिटिशन? फोटो पेंटिंग और 1 मिनट की फिल्म का प्रतियोगिता, एक कॉम्पिटिशन कौन आयोजित कर रहा है? बानी सिंह, ऑप्शन नंबर डी, ओके। ठीक है, तो बानी, प्रतीक और प्रज्ञा, तीन लोगों ने तो डी बोला है, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं भाई, आई डोंट नो व्हाई। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व दोनों मिलके एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फोटो पेंटिंग और 1 मिनट फिल्म का, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये होने क्या वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो रही है। देखो, एक तो है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, इसके अलावा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड मतलब कि सर्व भी यहां पर है, और इसके अलावा ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, ये दोनों अंडर में आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है भाई? ये मंत्रालय को संभालते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्रालय को। तो इसके अंडर में ये दोनों मिलके क्या करने वाले हैं, एक कंपटीशन का आयोजन करेंगे, ठीक है, जिसका क्या होगा, उसमें फोटो का कंपटीशन होगा, पेंटिंग पेंटिंग का होगा, एज वेल 1 मिनट की फिल्म का भी होगा। इसका यही उद्देश्य है कि लोगों को साइंस के प्रति लोगों का इंटरेस्ट समझा जा सके और उसमें और इंप्रूवमेंट की जा सके। गुड मॉर्निंग आयुषी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक है, इसका एक थीम है। अब पेपर में एक तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, सर्व इन्वॉल्व है, और आपका INSA इन्वॉल्व है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है वो बहुत ज्यादा है, इसकी थीम जो कि आपको जरूर याद रखनी है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसकी थीम होगी साइंस थ्रू माई आईज। साइंस थ्रू माई आईज ये रहेगी क्या, ये रहेगी आपकी थीम इस कॉम्पिटिशन की। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ओके, नेक्स्ट देखा जाए। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या है। विच ऐप वॉज अवॉर्डेड एज बेस्ट इनोवेशन फॉर COVID-19 सोसाइटी इन COGX 2020? COGX 2020 में COVID-19 सोसाइटी के लिए बेस्ट इनोवेशन के रूप में किस ऐप को सम्मानित किया गया? बताओ फटाफट आंसर। बानी सिंह, ऑप्शन नंबर डी, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, ओके। आगे प्रतीक इज टेलिंग अबाउट डॉक्टर हर्षवर्धन, That he is Union Minister of Department of Science and Technology, Health Department, exactly. Pragya is saying D option, Prateek is saying D option, okay. Bani Singh, two award mile hai, Best Innovation and People Choice Award, okay. Aishi is saying D option, Mandeep, Adi, answer kari bache, aap log bhi bataiye. Patapat answer kariye. ओके 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 ओके, निलेश भी आ गए यहाँ पे, वेलकम निलेश। निलेश इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी एंड आयुषी इज सेइंग डी, बट मंदीप इज सेइंग ए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। ठीक है भाई, मंदीप ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समझिएगा। एक ऐप जारी किया गया था जिसका नाम था माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क,
और ये ऐप जो है ये कॉक्स अवार्ड में, कॉक्स अवार्ड यूके में दिया जाता है, यूके मतलब लंदन में, ठीक है, यूके में कहाँ पे, लंदन में। तो लंदन का ये एक अवार्ड है कॉग एक्स 2020 अवार्ड, जिसमें अवार्ड दिया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम किसने किया है, ठीक है। तो एक ऐप जो बनाया गया था माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, जिसमें व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था, प्रिपेयर हो और पैनिक मत करो, ये इसका टैगलाइन था, इस ऐप को अवार्ड मिला है, ठीक है। अब इसको दो कैटेगरी में मिला है, एक तो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड 19 सोसाइटी, एक पीपल्स चॉइस कोविड 19 ओवरऑल विनर। तो ये दो अवार्ड का विजेता कौन है, माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। एग्जैक्टली, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे अगर आप नमस्ते लिख के भेज दोगे तो आपको तुरंत कोविड 19 से रिलेटेड अपडेट मिल जाएगी। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, मजेदार न्यूज है ना। सोचो एक व्हाट्सएप नंबर है, नमस्ते लिख के भेजोगे वापस आ जाएगा। और आपको एक बात पता है कि नहीं, गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेशन अगर आप यूज करते हो ट्रांसलेट करने के लिए, गूगल ट्रांसलेट पे कोई भी न्यूज अगर आप उसे ट्रांसलेट करने के लिए गए, अगर उस न्यूज में कोविड, कोरोना ऐसा कोई भी वर्ड है जो कोरोना और कोविड से रिलेटेड है, तो तुरंत नीचे कोरोना के अपडेट के लिए आ जाता है, एक आइकन आ जाता है कि कोरोना की अपडेट यहां से ले ले। मतलब कोई भी आप गए वहां पे ट्रांसलेट, मान लीजिए यही न्यूज हम गए ट्रांसलेट करने, यहाँ पे लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क मैं रिसीव्ड अवार्ड, तो मैं यही वहां पे गई ट्रांसलेट करने हिंदी में, जैसे मैं वहां पे ये चीज कॉपी पेस्ट करूंगी तुरंत नीचे एक आइकन आ जाएगा जहां पे कोविड 19 की अपडेट मिलेगी। किसने किया है ऐसा, गूगल ट्रांसलेट ने किया है, गूगल ट्रांसलेट ने ऐसा किया है। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखते हैं, इंडिया इज प्लानिंग टू अक्वायर, अच्छा एक काम करो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस व्हाट्सएप नंबर को तुम सब लोग सेव कर लो, ठीक है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड 19 इज गोइंग टू बी इन इट्स वर्स्ट सिचुएशन, बहुत ही बुरा होने वाला है। इनफैक्ट 6 लाख के करीब जो आपके इंडिया में केसेस है बढ़ गए, तो आप लोग प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और अपनी फैमिली का और अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिए। इट इज नॉट अ जोक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो इसे लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज प्लानिंग टू अक्वायर द मोर लीथल वर्जन ऑफ विच बॉम्ब, भारत किस बम के और अधिक घातक संस्करण को प्राप्त करने की योजना बना रहा है, बताइए बताइए कौन सा बम है जिससे सोच रहा है कि भाई इसका और अच्छा वर्जन मिल जाए। और आपको पता है रीजन, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारी सेना को मजबूत बनाने के लिए, ओके। फटाफट आंसर करो, फटाफट, डी ए, दो आंसर यहां पे आया, नीलेश सिंह डी ऑप्शन, मनदीप सिंह डी ऑप्शन, प्रतीक सिंह डी ऑप्शन, ओके। और लोग आंसर करिए, ज्योति का सी ऑप्शन है, HCA 3, ओके। और लोग आंसर करिए, प्रज्ञा का बी है, मौलिका का डी है, चलो वानी सबसे पहले बताई थी, आदि का भी डी है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पाइस 2000। जो हमला किया गया था जैश ए मोहम्मद के, बालाकोट हमला जो था आपका, तो वो जो बालाकोट का हमला हुआ था उसमें जो बम इस्तेमाल किया गया था जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को नष्ट करने के लिए, वो था स्पाइस 2000। यही बम था जो यूज किया गया था उस सर्जिकल स्ट्राइक में, इसी का और अच्छा वर्जन जो है वो प्लान कर रहा है इंडिया परचेज करने के लिए, ओके, गॉट इट। तो ये है स्पाइस 2000, ये बम है, ठीक है, ये बम है, ठीक है, ये आप देख लो। और इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रहा है इसका मोर लीथल और कैपेबल वर्जन। ये जो बम है ये यूज हुआ था डिस्ट्रॉय करने में जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को, कहां पे, बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान में, ओके। तो यही बम यूज किया गया था, यही बम वहां पे यूज किया गया था। ये देखो इसे क्या होता है ना, ये एयरप्लेन से इसे शूट किया जाता है ठिकाने पे, ठीक है, एयरप्लेन से इसे ठिकाने की तरफ शूट किया जाता है। स्पाइस 2000 याद रखिएगा, एक तरह इसका वेट होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी वेल अपडेटेड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, Which new pandemic potential virus candidate has been detected in China? It is a bad news, but yeah, it is true that एक नया वायरस मिल गया है चाइना में, जिसके पैंडेमिक बनने की बहुत ज्यादा क्षमता उसमें है। कि जिस तरीके से कोरोना ने पैंडेमिक के रूप में बना लिया अपना रूप, वैसे ये भी पैंडेमिक बन सकता है, महामारी ला सकता है। कौन सा फ्लू है बताइए,
प्रज्ञेश सिंह बी, सौरभ का भी बी कहना है, बानी का ए है, निलेश का बी है, ओके, ज्योति का सी है, ओके ओके ओके, आयुषी का बी है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, G4। G4 सुअर, पिग से फैलने वाला एक वायरस है, एक फ्लू कह सकते हैं, जिसका खतरा है कि वो बहुत बुरी तरीके से फैल सकता है, जैसे कि कोरोना फैला है। तो चाइना के शोधकर्ताओं ने चीन में फ्लू वायरस G4 के नए तनाव का पता लगाया है, और एक महामारी में बदलने की ये भी क्षमता रखता है। ये फ्लू वायरस हाल ही में सामने आया है और इसे सुअरों ने अंजाम दिया। ओके, शोधकर्ताओं की मुख्य चिंता यह है कि आगे ये भी फैल सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है और एक वैश्विक प्रकोप को ट्रिगर कर सकता है। तो याद रखिएगा कि कोविड तो अभी उभरा नहीं है, कोविड से पूरा देश, लेकिन फिर से क्या हुआ, बबलू अब दिख रहा है आपका कमेंट, अब दिख रहा है, ऐसे ही आप कई बार कर दिया करो, हो सकता है मुझसे मिस हो जाता हो, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई, नए वायरस का जन्म हो चुका है चाइना में, दैट इज G4। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एक्सचेंज लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स एंड फिशरमैन इन इट्स कस्टडी विद विच नेशन। भारत ने किस देश के साथ नागरिक कैदी और मछुआरों जो कैदी हैं उनकी सूची का आदान प्रदान किया है। प्रज्ञेश सिंह सी ऑप्शन, निलेश सिंह डी ऑप्शन, ओके, प्रतीक ए ऑप्शन, सौरभ ए, आदि का भी ए है, निलेश का ए है, प्रज्ञा का डी है, प्रतीक इज कंफ्यूज बिटवीन ए एंड सी, बानी सिंह सी, प्रज्ञा सिंह डी, ओके, और कोई आंसर करेगा यहाँ पे। देखो, एक समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मनदीप सिंह सी ऑप्शन, जिसमें ये हुआ था कि भाई देखो, हम लोग इतने इतने समय पे एक दूसरे को लिस्ट सौंपेंगे कि हमारे यहाँ पे कितने कैदी हैं। अब कैदी जो होते हैं सबसे ज्यादा दो तरीके के होते हैं, एक सिविलियन जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, और एक फिशरमैन जो जो समुद्र में जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करके उस तरफ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मछुआरों और सिविलियन की अलग अलग लिस्ट सौंपी जाती है, कौन किसके साथ एक्सचेंज होता है, तो भाई पाकिस्तान का यहाँ पे नाम आएगा। क्लियर है? तो आंसर होगा आपका पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने लिस्ट एक्सचेंज किया सिविलियन प्रिजनर का और फिशरमैन का, किस प्रोविजन के आधार पे, अग्रीमेंट हुआ था 2008 में, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन 2008 में साइन हुआ था दोनों के बीच में, उसके अकॉर्डिंग ये आपका होता है, ये लोग एक दूसरे से ये लिस्ट एक्सचेंज करते हैं। इंडिया ने दिया लिस्ट पाकिस्तानियों को कि हमारे पास 265 पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर है और 97 हमारे पास फिशरमैन है, ठीक है, हमारी कस्टडी में। और पाकिस्तान ने बोला कि हमारे पास 54 सिविलियन है और 270 फिशरमैन है उनकी कस्टडी में। तो याद रखिएगा, ये जो लिस्ट एक्सचेंज हुई है वो किसके बीच में हुई है, वो हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। एमएसएमई मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विच पोर्टल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए, फिर इसको समझाते हैं। प्रतीक सिंह ए ऑप्शन, उद्यम, नीलेश का ए है, सौरभ का डी है, और ज्योति का ए है, ओके, बानी का ए है, प्रज्ञा का मनदीप को नहीं पता, आयुषी का ए है। बबलू, आप आंसर ही नहीं कर रहे हो कि आपका कमेंट सच में नहीं दिख रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उद्यम, ठीक है, उद्यम होगा यहाँ पे। अब मेरी बात को समझिएगा पहले, यहाँ पे देखिए एमएसएमई क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे समझ रही, बहुत अच्छी न्यूज है, और आप लोग भी इसमें कुछ कर सकते हो अपना। देखो, एमएसएमई सबसे पहले वाले एम का मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, फिर जो एस होता है उसका मतलब होता है स्मॉल, फिर जो एम होता है उसका मतलब होता है मीडियम, मीडियम, ओके, और ई से क्या होता है, एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंटर प्राइजेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे बहुत छोटे लेवल का या छोटे लेवल का या मध्यम लेवल का कोई बिजनेस अगर शुरू करना है, ठीक है, जैसे कि अगर बहुत छोटे लेवल का बोले तो मुझे अपने घर से मास्क बना के बेचना है, थोड़ा सा छोटे लेवल की बात करें तो मुझे कोई दुकान लगानी है,
मीडियम की बात करें तो मुझे उससे थोड़ा ऊपर उठ के करना है। तो अगर मुझे उद्यमी बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है, मार्केट में कोई नया बिजनेस शुरू करना है और मैं बिल्कुल नई हूं, मुझे माइक्रो स्मॉल या मीडियम लेवल पे करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एमएसएमई के लिए उद्यम के जरिए पंजीकरण करा सकती हूँ, रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ, जिसमें सरकार मेरी मेरे बिजनेस को ओपन करने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोग्राम को नाम क्या दिया गया है, उद्यम। उद्यम नाम कहां से पड़ा, हमें उद्यमी बनना है ना, बिजनेसमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्यमी। अगर मुझे उद्यमी बनना है तो मुझे उद्यम के अंडर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। न्यूज समझ में आई, न्यूज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आगे यहाँ पे समझो, तो एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है, 1 जुलाई से, जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है और इसमें क्या होगा, जो भी एंटरप्रेन्योर होंगे उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या जानना चाहिए अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की। अब मुझे बता दो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री संभाल कौन रहा है, एमएसएमई मिनिस्ट्री संभाल कौन रहा है, जल्दी से बता दो। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है ये आपको बताना है। एग्जैक्टली, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ये भी संभाल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। नितिन गडकरी एक तो आपके परिवहन मंत्रालय संभाल रहे हैं, साथ ही साथ वो इसको भी संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, यूनियन मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, नितिन गडकरी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो उनका पूरा नाम तो मुझे नहीं इतना करेक्टली याद है, सारंगी उनके नाम में, जो सारंगी है, राजकुमार सारंगी आई थिंक उनका पूरा नाम है, आई एम नॉट मच श्योर, ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। आगे बढ़ते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू स्कीम टू इनेबल कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ मोटर एक्सीडेंट विक्टिम। मोटर दुर्घटना में जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका कैशलेस उपचार कराया जा सके, इसके लिए किस मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, बताइए। ओके, मनदीप, मैक्सिमम नहीं होता है, मीडियम होता है भैया, मैक्सिमम क्यों होगा, सौरभ का डी है, बानी कंफ्यूज है बट बी कह रही है, नीलेश का बी या डी में कंफ्यूज है, प्रज्ञा का डी है, आदि का बी है, प्रज्ञा का डी है, बानी अगेन कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी, प्रतीक को नो आइडिया। भाई देखो एक बात बताओ, सड़क दुर्घटना होगी ना, मोटर दुर्घटना मतलब सड़क दुर्घटना, सड़क क्या है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में आता है कि नहीं आता है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इट वॉज वेरी इजी टू गेस ऑल्सो, अगर आपको ना पता होता तो भी, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रोड ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, मतलब फिर से नितिन गडकरी का नाम आ गया, इसके मिनिस्टर तो वही है। इन्होंने एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान तैयार किया है जिसके लिए अब एक नई स्कीम आएगी जो कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो भी मोटर एक्सीडेंट के विक्टिम होंगे। ओके, ये स्कीम जो, ये जो आपका स्कीम है ये इंक्लूड करेगी क्या, क्रिएशन ऑफ अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, इसको कहा जाएगा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, मतलब सड़क दुर्घटना में, मोटर दुर्घटना में अगर किसी का मतलब कि इलाज करवाना है तो वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए कैशलेस अपना इलाज करा सकता है। बोलो समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हो गया एकदम। और भैया कौन संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, अपने नितिन गडकरी जी। ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये है नितिन गडकरी जी जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। मंत्रालय की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय की, नितिन गडकरी इसके कैबिनेट मिनिस्टर है। डिप्टी मिनिस्टर कौन है, वीके सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव मतलब सेक्रेटरी कौन है, जो संजीव रंजन जो है वो इसके सेक्रेटरी है, मेन सेक्रेटरी, जो कि एक आईएएस है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आईएएस को सेक्रेटरी के पद पे चुना जाता है। ओके, आईएएस को सेक्रेटरी के पद पे चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच नेशनल फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन हैज डेजिग्नेटेड टू चाइनीज कंपनीज एज नेशनल सिक्योरिटी।
है, किस राष्ट्र के संघीय संचार आयोग ने दो चीनी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों में नामित किया है? मतलब कि ये दो जो कंपनी है हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरनाक है। प्रतीक सिंह यूएसए, प्रज्ञय सिंह इंडिया, सौरभ सिंह इंडिया, नीलेश सिंह यूएस, पानी यूएस, आदि भी यूएस। ओके प्रज्ञा, एक बात समझना, और सौरभ, जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है, अगर आपको नहीं पढ़े होगे आप यूनिवर्स, तो कोई भी ऑप्शन नंबर ए ही चुना होगा, बिकॉज रिसेंटली इंडिया हैज बैंड 59 एप्स ऑफ चाइना। बट नाउ द आंसर इज यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आंसर क्या है? यूएसए। यूएसए ने चीन की दो कंपनी को, हुवेई और ZTE को खतरा बताया है अपने देश के लिए। क्यों बताया खतरा? तो यूएसए का कहना है कि इनका जो लिंक है वो सीधा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से है और चाइना की मिलिट्री से है। मतलब कि ये दो कंपनियां उनके लिए काम करती हैं, उन्हें हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ऐसा आरोप लगा के यूएस फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन मतलब FCC ने इन दो चाइनीज कंपनियों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या बता दिया है? खतरा बता दिया है। कंपनी का नाम याद रखिएगा, हुवेई और ZTE। हुवेई और ZTE ये दो कंपनी को यूएसए के फेडरेशन कम्युनिकेशन कमीशन ने देश के लिए खतरा बताया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे देखते हैं, विच टू बॉलीवुड एक्टर हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस। एक संस्था है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? तो वहां पे इसमें शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, इसका मेंबर बनने के लिए किन दो एक्टर्स को बोला गया है? वेरी गुड नीलेश, MPPSC का आ गया रिजल्ट। किसी ने दिया था तो उसका रिजल्ट मुझे बताइएगा। मनदीप ए ऑप्शन, प्रज्ञा ए ऑप्शन, आयुषी ए ऑप्शन, ओके सौरभ ए, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ओके एवरीबडी सिंह ए। सबका लाइन से एक ही आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन। इसके अलावा कोई आंसर नहीं कर रहा है, सब लोग लाइन से गलत हो, सब लोग लाइन से गलत हो, क्योंकि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट एंड ऋतिक रोशन। या इट इज सरप्राइजिंग बट दिस इज करेक्ट आंसर। आलिया भट्ट को और ऋतिक रोशन को इस एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए नामित किया गया है। ये है वो एकेडमी का ऑफिस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो बॉलीवुड की अभिनेता ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस की एकेडमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए 819 लोगों में से एक है। 819 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें से इंडस्ट्री में से इन्हें निमंत्रण दिया गया है। अगर ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो इनके पास इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कार के मतदान के अधिकार होंगे। मतलब कि जो भी इस एकेडमी के मेंबर होते हैं, वो लोग जो भी चीजें नॉमिनेट होती हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए, उस पर वोट करते हैं कि किसको मिलना चाहिए। अगर ये लोग उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिए तो 819 लोग जो होंगे उसमें ये भी शामिल हो जाएंगे, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि इस ऑस्कर में किसको कितना क्या मिलना चाहिए। सबका वोटिंग होगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहली बात कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर ये इसका हिस्सा बनते हैं तो दे विल बी एबल टू वोट फॉर ऑस्कर अवार्ड। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रहेगा ना ये? कौन कौन? आलिया भट्ट और कौन? आपके ऋतिक रोशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे अब हम बात करेंगे एकेडमी की, जहां पे इनको आमंत्रित किया गया है। तो ये जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज है, इट इज वर्किंग सिंस May 11, 1927, 93 years ago। 93 साल से ये संस्था काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है और डेविड रबिन इसके प्रेसिडेंट है। ये जो संस्था है ये वोट करती है ऑस्कर के लिए, जो भी चीजें नॉमिनेट हुई हैं कि किसको वो अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टू टैकल द COVID-19 इम्पैक्ट, मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है वो बताना है, लॉन्च्ड अ स्कीम नेम सपनों की उड़ान। कौन है ये आपकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जिन्होंने COVID-19 के प्रभाव से निपटने के लिए सपनों की उड़ान नाम की एक योजना स्टार्ट की है, बताइए। ओके
लाइन से सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब सब लोग बिल्कुल श्योर हैं इसके आंसर के लिए। वेरी गुड बानी, वेरी गुड एवरीवन, एंड आप सब सही हो यहाँ पे, हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल यहाँ पे आंसर होगा, पंजाब में सपनों की उड़ान। एग्जैक्टली, बठिंडा पंजाब, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरसिमरत की वो क्या है, बठिंडा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए अलोकेट किए गए, इसी के अंडर में कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल ने लॉन्च किया स्कीम सपनों की उड़ान। कब से कब तक के लिए, 2020-21 से 2024-25 के लिए, मतलब 5 सालों तक ये योजना चलेगी। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, टू टेक लोकल ब्रांड टू ग्लोबल। ठीक है, लोकल ब्रांड को ग्लोबल लेवल पे ले जाना है, इसका क्या है उद्देश्य है। मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के उन्नयन के लिए, जो वहां पे छोटे छोटे स्टार्टअप है, ठीक है, ये आपके फूड प्रोसेसिंग को लेके, उनका इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उन्हें फाइनेंशियल टेक्निकल सहायता देने के लिए ये जो आपका स्कीम है सपनों की उड़ान, ये काम आएगा, ये काम आएगा। एग्जैक्टली, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के सीएम है, वीपी बदनौर वहां के गवर्नर है, वीपी बदनौर वहां के गवर्नर है। एग्जैक्टली। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इंडिया अकाउंट फॉर डैश मिसिंग फीमेल ओवर द पास्ट 50 ईयर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार भारत में पिछले 50 वर्षों में कितनी लगभग महिला लापता हुई है, बताइए। एंड द रिजल्ट इज रियली वेरी शॉकिंग, फटाफट आंसर करिए। सौरभ इज कंफ्यूज बट ही सेइंग दैट ऑप्शन नंबर सी, ओके। मनदीप बी, नेक्स्ट निलेश ई, प्रतीक ई, एवरीबडी इज कंफ्यूज, मतलब किसने ये न्यूज नहीं पढ़ी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45.8। अब देखो 142 तो टोटल गायब हुई है पिछले 50 सालों में, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इतने गायब हुए हैं, जिसमें से चाइना टॉप पर है, सबसे ज्यादा महिलाएं चाइना से गायब हुई हैं, 72.3 मिलियन का मतलब क्या, करोड़, मतलब कि 72.3 करोड़ महिलाएं चाइना से गायब हुई हैं, ये नंबर वन पे है। उसके बाद इंडिया आता है, जहां पे 45.8 महिलाएं जो है वो मिसिंग है, ठीक है। और पूरे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 142.6 करोड़ महिलाएं गायब हुई हैं पिछले 50 सालों में। तो याद रखिएगा, UNFPA, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है। और इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अगेंस्ट माई विल डिफाइन द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वीमेन एंड गर्ल एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। और इसके हिसाब से दुनिया में 142.6 करोड़ महिलाएं लापता हुई पिछले 50 सालों में, जिसमें सबसे टॉप पर चाइना है, 72.3 करोड़ महिलाएं हुई, और उसके बाद इंडिया आता है, 45.8 करोड़ महिलाएं इंडिया से गायब हुई हैं, जो कि अलग अलग चीजों में लगा दी जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, बहुत ही सैड है, बट या इट इज ट्रू। तो हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर नटालिया कालेम है, डॉक्टर नटालिया कालेम। शशांक मनोहर रिटायर हो गए हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ ICC। अब बताइए कौन जो है वो अगला मतलब कि अस्थायी चेयरपर्सन होगा, जब तक कि नया कोई चुना नहीं जा सकता है, बताइए। अंतरिम अध्यक्ष कौन होगा जब तक किसी नए को नहीं चुना जाता है, सौरभ सिंह बी ऑप्शन, सौरभ गांगुली, प्रगय सिंह बी ऑप्शन, ओके, निलेश बी ऑप्शन, एवरीबडी सिंह बी ऑप्शन। मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और हम लोग ना पढ़ के जाएं तो हम सब लोग क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन। लेकिन प्रतीक का क्या कहना है कि इमरान ख्वाजा, ओके, बबलू का भी कहना है इमरान ख्वाजा, श्रेया का कहना है कॉलिन ग्रेव्स, मनदीप का कहना है ग्रेव कैमरॉन, बट द करेक्ट आंसर इज बानी ए भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इमरान ख्वाजा। तो केवल और केवल दो लोगों ने सही दिया था, बबलू ने और प्रतीक ने, बाकी सबका लाइन से गलत है। इमरान ख्वाजा को चुना जा रहा है, अभी ICC है क्या, पहले तो समझ लो। देखो
क्रिकेट के लिए दो बॉडी है, एक है जो आपका वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, जैसे नाडा और वाडा है वैसे क्रिकेट का, एक है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है और अपना एक अपने देश का जो है इंडिया के लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे जो बॉडी काम करती है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जो इंडिया के लेवल पे काम करती है वो है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, बीसीसीआई। तो अपने इंडिया में जो क्रिकेट की देखरेख करता है बीसीसीआई, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो करता है वो है आईसीसी। आईसीसी ही तो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें दुनिया के सारे देश जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस आईसीसी के चेयरपर्सन अभी तक कौन थे, शशांक मनोहर थे। और इसके जो आपके सीईओ है वो कौन है, मनु सामने है। तो मनु सामने सीईओ अभी भी है, लेकिन शशांक मनोहर चेयरपर्सन के पद से उनका रिटायरमेंट हो रहा है, उनका पद पूरा हो गया है। उनकी जगह पे जब तक कोई नया परमानेंट बंदा नहीं चुना जाता, तब तक उनकी जगह कौन संभालेगा, इमरान ख्वाजा संभालेंगे। क्लियर हो गया? चलो तो यहाँ पे देखिएगा, आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1900, मतलब 111 साल पहले ये संस्था काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। 104 देश इसके मेंबर हैं, 196 अक्रॉस कंट्री है जिसमें से 104 देश इसके मेंबर हैं। इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। शशांक मनोहर इसके अभी तक क्या थे, चेयरमैन थे, लेकिन अब कौन बन जाएगा, अब चेयरमैन के नाम पे आएगा इंतरिम चेयरमैन इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा। ओके, मनु सामने अभी भी इसके सीईओ है। ठीक है, तो ये हो गया जो दुनिया में क्रिकेट को संभाल रहा है, मतलब आईसीसी की बात। ये कौन है, इमरान ख्वाजा, ये कौन है, मनोहर। ठीक है, मनोहर जी जो है ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पे इमरान ख्वाजा जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है, अब बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई इंडिया का है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। ठीक है भाई, इसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली। क्लियर है भाई, क्लियर है, याद रखना, याद रखना, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, स्विगी हैज लॉन्च इट्स ओन डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी इन पार्टनरशिप विद विश बैंक। स्विगी ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? फटाफट आंसर करो, बिल्कुल भी एकदम सोना नहीं है, नींद नहीं आनी, पढ़ाई करनी है, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, वैकेंसीज आने शुरू हो गई हैं, मतलब आप लोग के दिन आ गए वापस से पढ़ाई वाले। ओके, प्रज्ञा सिंह बी, पानी सिंह सी, सौरभ सी, प्रतीक सी, नीलेश का भी सी है। ओके, और लोग आंसर करिए। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई के साथ इन्होंने साझेदारी की। अपना वॉलेट क्या होता है समझिएगा, जैसे कि अगर किसी को किसी किसी ने स्विगी पे कुछ ऑर्डर किया, स्विगी पे किसी ने कुछ ऑर्डर किया, तो अगर उसे ऑनलाइन पेमेंट करना होता था तो वहां पे ऑप्शन आता था गूगल पे, फोन पे या फिर डेबिट कार्ड, ऐसे ऑप्शन आता था। लेकिन अब वहां पे एक ऑप्शन आएगा स्विगी वॉलेट, स्विगी वॉलेट का। ठीक है, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे, आपका अगर आईसीआईसीआई में आपका अकाउंट है तभी आप इसे यूज कर सकते हो। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो रीडायरेक्ट करेगा आपके अकाउंट में और वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। तो इन्होंने अपना खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, किसके साथ पार्टनरशिप करके, तो आईसीआईसीआई के साथ। स्विगी ने किया है, क्या किया है, लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है बच्चे, अपना खुद का डिजिटल वॉलेट जिसका नाम क्या है, स्विगी मनी। स्विगी मनी इसका नाम है, किसके साथ पार्टनरशिप करके, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अब मेरी बात समझ रहा है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो यहाँ पे नाम ना दिया होता और मैं पूछती कि उसका नाम क्या है, और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देती स्विगी आईसीआईसीआई या फिर आईसीआईसीआई स्विगी, तो अगर जिसको नहीं पता है और उसे तुक्का मारना है तो सबसे पहले यही चूज करेगा, उसे लगेगा कि आईसीआईसीआई के साथ पार्टनरशिप हुआ है तो उसका भी नाम इंक्लूड हुआ होगा, लगेगा कि नहीं भाई, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन मानव बुद्धि की बात है, बंदा वही चूज करेगा, वो स्विगी मनी को चूज नहीं करेगा। उसे लगेगा कि आईसीआईसीआई के साथ अगर उसने कोलैबोरेट किया है तो उसका नाम आया होगा। बट द थिंग दैट इज दैट नीड टू बी रिमेम्बर दैट आईसीआईसीआई का उसके वॉलेट में नाम नहीं है, उसका नाम पड़ा है स्विगी मनी, स्विगी मनी। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है भाई, स्विगी मनी याद आपको याद रखना है इसका नाम। अब चलो बात करते हैं स्विगी के कस्टमर। चलो ठीक है, वॉलेट को तुरंत अगर वो तभी यूज कर सकते हैं अगर वो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मैनेजिंग डायरेक्टर और आपके सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। ठीक है,
हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्विगी का? तो वो आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ की कैपिटल है? कर्नाटका की। और श्री हर्षा मजेटी इसके को फाउंडर है। श्री हर्षा मजेटी इसके को फाउंडर है। चलो भाई बता डालो, आईसीआईसीआई की टैगलाइन बताओ। आदि पूछ रही है आईसीआईसीआई की टैगलाइन क्या है, बताओ भाई सारे लोग बताओ। जल्दी से आंसर करो सारे लोग। हम है ना ख्याल आपका, बानी बता रही है। श्रेया कह रही केवल हम है ना। ओके और लोग भी आंसर करिए। ठीक है और लोग आंसर करिए, बाकी लोग भी। भाई देखो हम है ना ख्याल आपका, नहीं वी केयर फॉर यू नहीं होगा, वी केयर फॉर यू नहीं होगा, हम है ना केवल इतना भी नहीं होगा। पूरा जो है इसकी टैगलाइन वो है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है भाई पूरा है ये, हम है ना ख्याल आपका, ये टैगलाइन है। कहाँ की टैगलाइन है? आईसीआईसीआई बैंक की। क्लियर है? हम है ना ख्याल आपका, दिस इज टैगलाइन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो भाई ये क्या थे? अगली न्यूज अब देख लो क्या है। हु वन द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिक्स 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अवार्ड दिया गया है इस नाम से, प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस नेशनल अवार्ड। अब ये पहली बार अवार्ड दिया गया और ये किसको मिला है ये बताओ, किसने से रिसीव किया है उसका नाम बताओ, फटाफट आंसर करो। बानी सिंह ए, चक्रवर्ती रंगाराजन, ओके रंगाराजन, मनदीप सिंह, डॉक्टर अखिलेश चंद्रा, ओके प्रज्ञा सिंह, चक्रवर्ती रंगाराजन, नीलेश चक्रवर्ती रंगाराजन, श्रेया, अखिलेश, बबलू चक्रवर्ती। भाई देखो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं चक्रवर्ती रंगाराजन, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं चक्रवर्ती रंगाराजन, और इन्हीं को चुना गया है पहला जो अवार्ड दिया गया, पहली बार दिया गया प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस नेशनल अवार्ड। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम लोग इनकी बात करेंगे जो मिस्टर रंगाराजन है ये है, ठीक है ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और ये प्रशांत चंद्र महालेनोबिस है, मतलब प्रोफेसर पीसी महालेनोबिस, जिनके नाम पे ये पहली बार अवार्ड देना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने स्टार्ट किया है। तो ये है कौन जिनके नाम पे अवार्ड दिया जा रहा है? तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, ठीक है बहुत फेमस। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स भी कहा जाता है भारत में, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स कहा जाता है भारत में। और 1893 में इनका जन्म हुआ, तो 1972 में इनकी डेथ हुई है। और ये जो योजना आयोग था पहला जो प्लानिंग कमीशन था ये उसके मेंबर भी थे, ये भी याद रखिएगा, जो पहला प्लानिंग कमीशन था उसके मेंबर भी थे पीसी महालेनोबिस, और ये साइंटिस्ट थे और बहुत ही बड़े स्टैटिस्टियन थे, और इन्हें मॉडर्न स्टैटिक्स का फादर कहा जाता है इंडिया में। इनके नाम पे जो अवार्ड दिया गया फर्स्ट टाइम इन 2020, विनर ऑफ दैट अवार्ड इज कौन? आपके मिस्टर रंगाराजन। क्लियर है? मिस्टर रंगाराजन नहीं प्रज्ञा, दूसरे के नहीं पहले, पहले प्लानिंग कमीशन के थे प्रज्ञा, इसे करेक्ट कर लो, दूसरे के नहीं थे, पहले प्लानिंग कमीशन के ये मेंबर थे। ठीक है प्रज्ञा, पहले प्लानिंग कमीशन के थे। ठीक है प्रज्ञा इसे आप करेक्ट कर लो बेटा, जब भी कोई चीज के बारे में कंफ्यूजन हो सीधा विकिपीडिया पे जाया करो। मैं जितने भी चीजें पढ़ती हूँ, कभी भी मुझे कुछ भी पढ़ना होता है मैं केवल विकिपीडिया से पढ़ती हूँ, ठीक है वो गलत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारी न्यूज समझ में आई होगी। अगर आई है तो एक बार लिख दो कमेंट में, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो भाई करना क्या है, इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सी यू नेक्स्ट।